Hello students, in this session we are going to study about exercise number 9.1, question number 5. The points P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ is equal to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर लाइन दी है, ठीक है, जो स्टार्ट हो रही है 4 से, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 and -4 भी है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। अब ये नंबर लाइन 2 और 3 के बीच में तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जब हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाले सम सीखे थे तब हमने ये सीखा था कि किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें उस नंबर लाइन को डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? जितना उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर रैशनल नंबर 2/3 है तो हम गिवन नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4/7 है तो गिवन नंबर लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो हमारी नंबर लाइंस के डिविजन्स होंगे। अब ये 2 और 3 के बीच में 3 डिविजन्स हुए हैं, 2 और 3 के बीच में 3 डिविजन्स हुए हैं। फर्स्ट डिविजन इज P, सेकेंड इज Q एंड थर्ड इज R। तो ये फर्स्ट डिविजन होगा 1/3, सेकेंड डिविजन होगा 2/3, सेकेंड डिविजन विल बी 2/3 एंड थर्ड डिविजन 3/3 जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट डिविजन इज 1/3, सेकेंड डिविजन इज 2/3। नाउ द थिंग इज दैट कि ये 1/3 जो है वो 2 के बाद है, तो हम P को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल राइट 2 इंटीजर 1/3, वी विल राइट 2 इंटीजर 1/3, सो दैट विल बी P इज 2 इंटीजर 1/3 एंड सिमिलरली ये 2/3 है, यानी कि Q हो जाएगा 2 इंटीजर 2/3, 2 इंटीजर 2/3, ठीक है। तो Q विल बी 2 इंटीजर 2/3, P विल बी 2 इंटीजर 1/3। अब आपकी टेक्स्ट बुक जो आपका आंसर है वो इस फॉर्मेट में है, इससे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज आपकी टेक्स्ट बुक आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रही है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आई थिंक आपको आता होगा, बहुत 5th 4th में आप पढ़ चुके हो ये चीज़ें। कैसे करेंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6 + 1, दैट इज 7/3, और ये हो जाएगा 3 2 6 + 2, यानी कि 8/3। सो दिस इज 7/3, दिस इज 8/3। देन इसी तरह से -1 और -2 के बीच में भी ये नंबर लाइन जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, R, S, U। तो फर्स्ट डिवीजन विल बी -1/3, सेकेंड विल बी -2/3। देन अब ये R जो है वो -1 के बाद है, तो R को रिप्रेजेंट करेंगे हम -1 इंटीजर 1/3 और S रिप्रेजेंट होगा -1 इंटीजर 2/3। अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करें तो दैट विल बी -3 1 3 + 1 4/3 एंड दिस इज 3 1 3 + 2, यानी कि 5/3। डन। सो R विल बी -4/3 एंड S विल बी -5/3। Is that clear? So P is 7/3, Q is 8/3, R is -4/3 and S is -5/3. We are clear with this? Next is question number 6. Which of the following pairs represent the same rational number? तो इस question में हमें हर एक sum में pair of rational numbers दिए हुए हैं। हमें ये करना है कि कौन सा pair equal है, ये check करना है, ठीक है। सम नंबर 1 -7/21 and 3/9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। सी, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वो तो कभी इक्वल होने ही नहीं वाले, ठीक है। तो इनमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा बोल देना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो आगे आप इसमें कोई भी प्रोसीजर करो, एक नेगेटिव ही रहेगा एक पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो द आंसर इज नो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। सेकेंड के लिए -16/20
एंड 20 अपॉन माइनस 25। अब पहली बात तो ये कि इस माइनस को आप नीचे जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे ऊपर लिख सकते हो न्यूमरेटर में। इसका मतलब 20 अपॉन माइनस 25 हम लिखेंगे माइनस 20 अपॉन 25। डन। अब दोनों नेगेटिव है तो चेक करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। लेट अस कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब उन दोनों नंबर्स को यानी कि 16 और 20 को रिड्यूस करना। रिड्यूस करने के लिए हमें 16 और 20 को इन दोनों के HCF से डिवाइड करना होगा। HCF कैसे फाइंड करना है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था पहली बार, सिक्स में भी आया था, वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सिर्फ इस सम के लिए। बाकी आप आगे के HCF जो है वो आप खुद फाइंड करके लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इस सम के लिए रिवाइज करवाऊंगा। तो हमें 16 और 20 का HCF निकालना है। तो पहले तो उन दोनों के प्राइम फैक्टराइज करने होंगे। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 2, 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सिमिलरली 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। देन अब इसमें भी दो टू है, इसमें भी दो टू है, यानी कि दोनों में दो दो टू जो है वो कॉमन है। डन। यानी कि 2 इंटू 2 4, तो दोनों नंबर्स में 4 जो है वो कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो 16 और 20 का जो HCF वो कितना होगा, 4। डन। यानी कि हम 16 अपॉन 20 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 16 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4। डन। सिमिलरली 20 और 25 का HCF निकालेंगे। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स तो ऑलरेडी निकाल लिए हैं हमने, अब 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 25 सीधा 5 से ही डिवाइड होगा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो दोनों में 5 जो है वो कॉमन है, यानी कि इन दोनों का HCF 20 और 25 का कितना होगा, 5। तो हम 20 अपॉन 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस 20 डिवाइड बाई 5 एंड 25 डिवाइड बाई 5। क्लियर अप टू दिस। अब आगे, सो जो माइनस 16 अपॉन 20 है वो हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 5, और जो माइनस 20 अपॉन 25 है वो भी हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 5। डन। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल। सो द गिवन क्वेश्चन और गिवन पेयर ऑफ रैशनल नंबर रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर्स। द आंसर इज यस। क्लियर। नेक्स्ट सम नंबर थर्ड, माइनस 2 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3। माइनस 2 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3। तो देखो 2 और 3 इन दोनों का जब आप HCF निकालोगे तो 1 ही मिलेगा, यानी कि इन दोनों को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे भी 2 अपॉन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वी कैन नॉट रिड्यूस इट। तो अब एक चीज़ हम कर सकते हैं कि यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, तो इस दोनों नेगेटिव साइन को हम कट कर देंगे। डन। तो ये माइनस 2 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा 2 अपॉन 3, और 2 अपॉन 3 तो हैज इट इज़ रहेगा, मीन्स दोनों ही इक्वल है। तो सेकेंड थर्ड सम में भी जो हमें पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स दिए हैं दे रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। क्लियर। सो द आंसर फॉर द थर्ड वन इज यस एज वेल। नंबर फोर्थ, माइनस 3 अपॉन 5 एंड माइनस 12 अपॉन 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 5 इन दोनों का HCF 1 है, मतलब आप इन दोनों को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 12 और 20 इन दोनों का जब आप HCF निकालोगे तो आपको मिलेगा 4, और अगर HCF ना निकालना हो तो सिंपली आप इतना भी याद रख सकते हो कि 12 और 20 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। तो इस हिसाब से भी आपको 4 से डिवाइड करना है। डन। सो माइनस 12 को 4 से डिवाइड करो, 20 को 4 से डिवाइड करो। 12 डिवाइड बाई 4 दैट इज 3 एंड 20 डिवाइड बाई 4 दैट इज 5। तो ये माइनस 3 अपॉन 5, ये भी माइनस 3 अपॉन 5, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, दैट मीन्स दे रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। सम नंबर फिफ्थ, 8 अपॉन माइनस 5 एंड माइनस 24 अपॉन 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 8 और 5 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, और नीचे का जो नेगेटिव साइन है उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। सो वी विल हैव माइनस 8 अपॉन 5 एंड 24 और 15 इन दोनों का HCF जब आप निकालोगे तो 3 मिलेगा। या तो फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। तो मतलब हम दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइड बाई 3 एंड 15 डिवाइड बाई 3। अब 24 डिवाइड बाई 3 दैट विल गिव यू 8, 15 डिवाइड बाई 3 विल गिव यू 5। तो ये माइनस 8 अपॉन 5, ये भी माइनस 8 अपॉन 5, दोनों सेम नंबर्स है। सो दिस पेयर रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर। सम नंबर 6, 1 अपॉन 3
माइनस वन अपॉन नाइन, तो वन और थ्री को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इट विल रिमेन एज इट इज़। माइनस वन अपॉन नाइन को भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इट विल रिमेन एज इट इज़। और सबसे बड़ा डिफरेंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, देन दैट मीन्स द आंसर इज नो। एंड फाइनली सेवेंथ में माइनस फाइव अपॉन नाइन एंड फाइव अपॉन माइनस नाइन, तो पहले तो ये माइनस फाइव अपॉन माइनस नाइन के दोनों नेगेटिव साइन कट कर दो, यू विल गेट फाइव अपॉन नाइन। एंड फाइव अपॉन माइनस नाइन में हम ये माइनस जो है वो न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, दैट विल बी माइनस फाइव अपॉन नाइन। तो ये प्लस फाइव अपॉन नाइन, ये माइनस फाइव अपॉन नाइन, दोनों सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट, सो द आंसर इज नो अगेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन सेवन में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जहां तक नंबर्स हो सके रिड्यूस करते जाना है। दिखाता हूं मैं, फर्स्ट सम इज माइनस एट अपॉन सिक्स, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा। अब एट और सिक्स का जो एच सी एफ आप निकालोगे वो टू आएगा, और एच सी एफ ना निकालना हो तो एट और सिक्स दोनों टू के टेबल में आते हैं, टू फोर जा एंड टू थ्री जा, डन। मतलब हम 8 और 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2। अब 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस 4, और 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। अब ये आगे रिड्यूस नहीं हो सकता, मतलब यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर? और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक बात याद रखना कि अगर नेगेटिव साइन क्वेश्चन में नीचे दिया हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है, इतना चेंज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सम नंबर सेकेंड, 25 अपॉन 45। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों 5 के टेबल में आएंगे, 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा, तो मतलब हम इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, 25 डिवाइड बाई 5 एंड 45 डिवाइड बाई 5। आप चाहो तो दोनों का HCF निकाल के फिर 5 से डिवाइड कर लो, आंसर सेम ही रहने वाला है। ठीक है, देन 25 डिवाइड बाई 5 विल बी 5 एंड 45 डिवाइड बाई 5 विल बी 9। अब ये आगे रिड्यूस नहीं हो सकता, मतलब यही हमारा आंसर होगा। सम नंबर थर्ड, -44 एंड 72। तो पहले तो ये बड़े नंबर्स हैं, मतलब इनका हम HCF निकालेंगे। 44 का HCF निकालने के लिए ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करो, 2 22 ज़ा 44। अगेन 22 को 2 से डिवाइड करो, 2 11 ज़ा 22, और 11 जो है वो प्राइम नंबर है, यानी कि 11 1 ज़ा 11। तो 44 के फैक्टर्स होंगे 2 2 एंड 11। सिमिलरली 72 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 72 इज एन इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होगा, 2 डिवाइड बाई 36 विल गिव यू 72। 36 को भी 2 से करो, 2 18 ज़ा 36। 18 को भी 2 से करो, 2 9 ज़ा। अब ये 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 1 ज़ा 3। मतलब 72 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 2 2 3 एंड 3। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, यानी कि 2 into 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो 2 into 2 होता है 4, यानी कि इन दोनों का HCF होगा 4। मतलब अब हम -44 को 4 से डिवाइड करेंगे, 72 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, -44 / 4 विल गिव यू -11 एंड 72 / 4 विल गिव यू 18। सो दिस विल बी योर आंसर। एंड लास्ट सम नंबर फोर्थ, -8 अपॉन 10। तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसमें HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, 8 डिवाइड बाई 2 विल बी -4 एंड 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5, डन। सो आंसर इज -4 अपॉन 5। इज दैट क्लियर?